हेलो फ्रेंड्स, नेहा टेस्टी रेसिपी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक स्वीट डिश, वो है स्वीट कोकोनट पूरी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और ये जो पूरी है वो बहुत टेस्टी एंड क्रिस्पी बनती है। तो चलो बिना देरी किए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये पूरी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। फ्रेश कोकोनट हाफ, गुड़ 3/4 बाउल, गेहूं का आटा 2 बाउल, सूजी 1/2 बाउल, घी, इलायची एंड जायफल पाउडर 1 टीस्पून, नमक एंड ऑयल। तो सबसे पहले हम नारियल का छिलका निकाल लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। इस तरह से हमें टुकड़े करना है। अभी हम इसको मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। ग्राइंड करके हो चुका है, अभी हम स्टफिंग बना लेते हैं। इसके लिए अभी हम कढ़ाई में डालेंगे ग्राइंड किया हुआ कोकोनट। उसमें डालेंगे गुड़। गैस की फ्लेम हम लो एंड मीडियम के बीच में ही रखेंगे। गुड़ को मेल्ट होने तक हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें डाल देते हैं हम घी। और मिक्स कर लेंगे। गुड़ मेल्ट हो चुका है, अभी हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम पूरी के लिए आटा गूंद लेते हैं। गेहूं के आटे में हम डालेंगे सूजी, एक टीस्पून नमक एंड थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसमें थोड़ा पानी डालते हुए हम गूंद लेंगे और एक डो बना लेंगे। डो तैयार है, अभी हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अभी हम गुड़ और नारियल के स्टफिंग में इलायची एंड जायफल पाउडर डाल के उसको मिक्स कर लेते हैं। पूरी के आटे में 1 टीस्पून घी डालेंगे। और उसको मसल लेते हैं। इस तरह से स्टफिंग और आटे की मैंने लुई बना ली है। अभी हम पूरी बनाना स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम चकले पे थोड़ा सा घी और ऑयल लगाएंगे और उसके ऊपर एक पूरी का लुई लेके उसको छोटे साइज में बेल लेंगे। इसमें अभी कोकोनट एंड जैगरी की स्टफिंग रखेंगे और चारों ओर से इसको अच्छे से बंद कर लेंगे और इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि जो स्टफिंग है वो सारी जगह पे फैल जाए। अभी इसको धीरे धीरे हम बेलेंगे ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। इस तरह से हम सारी पूरी बना लेते हैं। पूरी बना के हो गई है, अभी हम इसको फ्राई करेंगे, इसलिए हम कढ़ाई में ऑयल डालेंगे और इसको गरम कर लेंगे और इसमें पूरी डाल देंगे। पूरी फूलने के बाद हम इसको पलट देंगे
और दूसरी ओर से भी गोल्डन एंड ब्राउन होने तक उसको फ्राई कर लेंगे। अभी पूरी को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से हम सारी पूरी को फ्राई कर लेते हैं। हमारी स्वीट कोकोनट पूरी तैयार है। जैसे कि आपने देखा, हमने ये पूरी के स्टफिंग में गुड़ यूज़ किया है, तो ये टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। इस पूरी को आप 12 महीने कभी भी खा सकते हो, बट ठंडी के सीज़न में ये पूरी खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप इस तरह से पूरी ज़रूर बना के देखें और कमेंट बॉक्स पे हमें बताइए आपको पूरी कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक करें। तो मिलते हैं जल्दी मेरे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।